In this bottle craft series, I have shared with you mirror work on bottle, antique bottle art, stress relieving bottle art and modern art on bottle. But आज की जो ये वीडियो है, I don't know ये किस कैटेगरी में आएगी. So watch this video till end and मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ये बॉटल आर्ट किस कैटेगरी में आनी चाहिए. In today's video, we are going to use this round shape का bottle. नेक्स्ट हम यूज करेंगे मास्किंग टेप. इसे हम बॉटल के बॉटम पार्ट में इस तरह से लगाएंगे. मास्किंग टेप यूज करने का रीजन ये है कि जब भी हमें कुछ ऐसे डिजाइन्स बनाने होते हैं जिनका बॉर्डर हमें स्ट्रेट लाइन में चाहिए होता है, सो विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टेप वी कैन इजीली अचीव दैट काइंड ऑफ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बॉर्डर्स. इन नेक्स्ट स्टेप हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्लू एंड वाटर का एक पेस्ट बनाएंगे. एंड बॉटल के इस सेंटर पार्ट में, यानी कि जो गैप है इन बिटवीन मास्किंग टेप, यहां पर हम इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे. एक्चुअली दिस पेस्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज होममेड जेसो. जैसो हम यूज करते हैं किसी भी सरफेस को बेस कोट देने के लिए. सो अगर आप इसे बल्क में बनाकर स्टोर करके रखना चाहते हैं, सो देयर इज वन डेडिकेटेड वीडियो जिसमें ये सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में बताई हैं. उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि हम घर में क्ले टेक्सचर पेस्ट मॉड पॉज ग्लू कैसे बना सकते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको उसका नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीओपी से जो हमने पेस्ट बनाया था वो काफी थिक हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसकी कंसिस्टेंसी फिर पहले जैसे हो जाएगी. पीओपी के इस पेस्ट का फर्स्ट लेयर जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सेकेंड लेयर इसी पेस्ट का अप्लाई करेंगे. थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पर बच गया था तो मैंने इसे बॉटल के नेक में भी लगा लिया है. नेक्स्ट हम मास्किंग टेप को निकाल लेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है. एंड देन हम इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे. वंस आवर बॉटल इज कम्प्लीटली ड्राइड, इसके ऊपर हम 3D डिजाइंस बनाएंगे. एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस 3D कोन लाइनर. किसी भी कलर का कोन लाइनर आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एट द एंड हम इसके ऊपर कलर लगाएंगे. हेयर व्हाइट ऑन व्हाइट वीडियो में डिजाइन इतने अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं ब्लैक 3D कोन लाइनर यूज कर रही हूँ. इट विल बी मोर बेटर अगर आप इसके ऊपर पहले डिजाइन ड्रॉ कर लें एंड फिर 3D कोन लाइनर यूज करें. एंड इफ यू आर नॉट सो कम्फर्टेबल विद ड्रॉइंग तो आप अपने चॉइस का कोई भी डिजाइन लेके इसके ऊपर ट्रेस कर सकते हैं एंड फिर 3D कोन लाइनर आप उसके ऊपर यूज करें. जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा इसके बाद हम इसमें कलर्स लगाएंगे. आई रियली थॉट अ लॉट कि किस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन मैं यूज करूँ इस बॉटल के लिए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक देना था इस बॉटल को. सो फाइनली मैंने ये पिंक कलर चूज किया. एंड जो भी 3D डिजाइन हमने बनाए हैं उनको हम ब्लैक कलर से कवर करेंगे.
वंस हमारा कलर कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो फिंगर में हम थोड़ा सा सिल्वर कलर लेंगे एंड जो 3D डिज़ाइंस हमने बनाए हैं उनके ऊपर हम इस कलर को लगाएंगे। इससे जो भी डिज़ाइंस हैं वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होंगे। सिमिलरली बॉटल के नेक में भी हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास ये ब्लू कलर का स्टोन है, इसे मैं इसके सेंटर में लगा रही हूँ। हेयर यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस डिजाइन्स आर लुकिंग। आप चाहें तो बॉटल के रिमेनिंग पार्ट को यूं ही ट्रांसपेरेंट भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला ब्लू कलर बॉटल के अंदर डाल रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है। इसे हम इस तरह से रोटेट करते जाएंगे अंटिल जो कलर है वो पूरी बॉटल में अच्छे से स्प्रेड ना हो जाए। ड्राई होने के बाद ये कलर थोड़ा लाइट एंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिकॉज हमने इसमें पानी मिलाया है। एंड इन केस इफ यू वांट दिस सॉलिड ब्लू लुक, अवॉइड मिक्सिंग वाटर विद कलर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, इस बॉटल आर्ट को हमें किस कैटेगरी में डालना चाहिए? यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद वन मोर बॉटल आर्ट डिजाइन। Till then, bye-bye, take care.